कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा, उसी अलायंस की वो सहयोगी हैं, उन्होंने कह दिया कि इनकी तो 40 सीट भी नहीं आएंगी। किसान हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि गांव के अंदर मिले। तो मैं तो उन्हीं के साथ था, सड़क पर था, संघर्ष कर रहा था। इस संसदीय क्षेत्र में 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया वो फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो मुआवजा होता है उसकी राशि के रूप में वो दिया। अभी नायब सैनी जी 2 दिन पहले रतिया आए थे तो टेक्निकल कारणों से वो कुछ मुआवजा रुका हुआ था, वो 150-200 करोड़ रुपए अभी मुआवजा सेंक्शन हो गया। मामा ने पूरी ताकत लगा रखी है भांजे को जिताने के लिए। मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, फूफा, बुआ, भाई, बहन, सब पूरा परिवार, मेरे बुजुर्ग। कहीं बीजेपी को यह तो नहीं लग रहा कि सिरसा कमजोर है? सिरसा कम से कम जो है 6,51,000 कम से कम मार्जिन रहेगा। मुकाबला आपको क्या लग रहा है, किसके साथ होगा, कांग्रेस के साथ होगा या इनेलो के साथ होगा? मुकाबला जो जमानत जब्त के लिए आ रहे हैं उनसे क्या मुकाबला करेंगे हम, यहाँ जमानत बचाने और जमानत जब्त की लड़ाई है। क्या लग रहा है कि कुछ सपने आपके अधूरे रहे, उनको अभी अब पूरा हो पाएंगे वो सपने? मेरे सपने नहीं, मेरे सपने तो बहुत छोटे हैं, देश के सपने बड़े हैं, इन लोगों के सपने बड़े हैं। पालकांडा को बना लिया और कल मीनू बेनीवाल है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं लगता है, तो अभी तो और भी लोग जुड़ेंगे, अभी बहुत लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं, इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव खजूरी जाटी में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? चुनाव प्रचार आप देख सकते हैं पूरा खजूरी जाटी गाँव, इससे पिछला गाँव, गाँव के अंदर जोश है, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे सरपंचों के सरपंचों का समर्थन है, सब कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि गांव है जहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कमल खिलाना ना चाहते हों। पहले से बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में मिलेगा, इस जिले में मिलेगा, संसदीय क्षेत्र में और देश में मिलेगा, यही मैं समझता हूं कि ज़मीन से आवाज़ आ रही है, किसान मजदूर नौजवान हमारी माताएं बहनें यही कह रही हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, क्या लग रहा है आपको, कितना कदम है कांग्रेस के दावे में? देखिए, कांग्रेस के जिसके पास उम्मीदवार ना हो, जिसके पास संगठन ना हो, जो लोगों में अपना विश्वास खो चुके हों, जो गठबंधन और ठगबंधन और षड्यंत्रों में लगे हों, जो एक दूसरे को काटने में लगे होते हैं, ममता बनर्जी ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा, उसी अलायंस की वो सहयोगी हैं, उन्होंने कह दिया कि इनकी तो 40 सीट भी नहीं आएंगी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर के चल रही है, दूसरी तरफ उनकी लड़ाई है कि कैसे हम 40 आ जाएं। तो 40 भी इसलिए कि अलीबाबा और 40 चोर चाहिए हैं, तो 40 चोरों का जो जमावड़ा है वो 40 के लिए प्रयास कर रहा है, और जो देश को बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आर्थिक महाशक्ति तीसरी सबसे बड़ी बने अगले 5 वर्ष में, भारत विकसित हो जाए, भारत के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, उसको समान अवसर मिले, तरक्की और समृद्धि के रास्ते पर ये मुल्क चले, तो ये सोच लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवारों की हरियाणा में होगी। और अभी तो मैदान में ही लोग नहीं हैं उनके, पहले वो तय करे कि भाई उनका उम्मीदवार कौन होगा, फिर उसके बाद वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसको हराने वाले वहीं बैठे हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं। किसान हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि गांव के अंदर मिले, और कह रहे हैं कि हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें बीजेपी की क्या भूमिका रही, नेताओं की क्या भूमिका रही, आप कैसे देखते हैं इसमें? मेरी भूमिका तो, मैं तो उन्हीं के साथ था, सड़क पर था, संघर्ष कर रहा था, और आज भी मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान सरकार जो है वो नेतृत्व लगातार प्रयासरत है। इस संसदीय क्षेत्र में 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया वो फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो मुआवजा होता है उसकी राशि के रूप में वो दिया।
अभी नायब सैनी जी दो दिन पहले रतिया आए थे, 21-22 का कुछ मुआवजा टेक्निकल कारणों से रुका हुआ था क्योंकि फसल तबाह हो गई थी बारिश बाढ़ की वजह से, और वो क्योंकि पहले लोगों ने धान क्षतिपूर्ति पोर्टल पे चढ़ाने से पहले दोबारा उसकी, क्योंकि किसान तो ये सोचता है कि भाई अब समय आ गया मैं पहले बोलूं बाकी बाद में देखता रहूँगा, तो टेक्निकल कारणों से वो कुछ मुआवजा रुका हुआ था, वो 150-200 करोड़ रुपये अभी मुआवजा सेंक्शन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार लगातार हर वर्ग के प्रति चिंतित है, संवेदनशील है, और सबसे बड़ी घमंडिया नहीं है, अहंकारी नहीं है, और इनको आगे बढ़ाना चाहती है। तो जिसका ये संकल्प हो वो सारी बातें मानेगा और भविष्य में किसान ताकतवर होगा। आपके मामा ने पूरी ताकत लगा रखी है बांझे को जिताने के लिए, कई बार कई रैलियां कर गई, कल भी आ रहे हैं, परसों भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहीं बीजेपी को यह तो नहीं लग रहा कि सिरसा कमज़ोर है? बीजेपी को भी पता है और सबको पता है सिरसा कम से कम जो है 6,51,000 कम से कम मार्जिन रहेगा, पिछली बार से मार्जिन दुगना होगा। मामा, भांजा, चाचा, भतीजा, फूफा, बुआ, भाई, बहन, सब पूरा परिवार, मेरे बुजुर्ग सबका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो इतना बड़ा मार्जिन होगा। तो सब लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन के साथ जुड़े हुए लोग असली ताकत ये लोग हैं। तो ये लोग जब जिसके साथ चल देते हैं वो मैं समझता हूँ कि कामयाब हो जाता है। तो इन्होंने और लोगों को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे को भी देखा है कि हम सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, और सच्चाई की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। तो इसलिए मुकाबला आपको क्या लग रहा है, किसके साथ होगा? कांग्रेस के साथ होगा या इनेलो के साथ होगा? मुकाबला जो जमानत जब्त के लिए आ रहे हैं उनसे क्या मुकाबला करेंगे हम? यहाँ जमानत बचाने और जमानत जब्त की लड़ाई है। ये सिरसा के लोग जमानत जब्त करवाने के लिए लड़ेंगे और वो जमानत इंडी अलायंस जमानत बचाने के लिए लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जनता की जीत होगी, जमानत जब्त होगी इन लोगों की। तो आपने जो काम यहाँ पे जब कांग्रेस में थे आप, तो ये न्यूक्लियर प्लांट आपने गोरखपुर इसी इलाके का ही काम है, क्या लग रहा है कि कुछ सपने आपके अधूरे रहे उनको अभी अब पूरा हो पाएंगे वो, क्योंकि अब सरकार में भी आप हैं, कि राज्य में भी सरकार है और अभी समय भी है, केंद्र में जब चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो सपने, मेरे सपने नहीं, मेरे सपने तो बहुत छोटे हैं, देश के सपने बड़े हैं, इन लोगों के सपने बड़े हैं, इनका जीवन स्तर हर चीज़ हर तरीके से ऊपर उठे, उसके लिए बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, इनको गांव में अच्छी सुविधाएं वो मिले, ये हम लोगों का दृष्टिकोण है। छोटे छोटे रोड तो बन गए हैं, आने वाले समय में यहाँ पर और उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जब बिजली का परमाणु संयंत्र लगेगा तो हजारों यहाँ पर जो है कल कारखाने, औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर लगेंगी, और वही मैं समझता हूँ कि होगा तभी ये जो पश्चिमी हरियाणा का इलाका है तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर चलेगा। गोपालकांडा को बना लिया और कल मीनू बेनीवाल है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, लगता है कि बड़ी एक बढ़त मिलेगी आपको, एक क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, हर व्यक्ति का रोल होता है, और ये तो जो है वो लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में दिया है, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई है। तो जब लोग बड़े लोग जुड़ते हैं तो फ़ायदा होता है, तो अभी तो और भी लोग जुड़ेंगे, अभी बहुत लोग हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको धीरे धीरे पार्टी सोच समझ करके सही समय पर ज्वाइन करवाने का काम करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस वीसीओ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने राय जरूर दीजिए, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।